हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल उमेजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोन पे पे अपना अकाउंट कैसे बनाइएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, फोन पे पे अपना अकाउंट कैसे बनाइएगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस पर अकाउंट बना करके रोज़ाना 400 से 500 रुपया अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को नहीं गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फ़ोन पे डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे इसके सर्च बार में लिख देना होगा फ़ोन पे। फ़ोन पे आप लिख देंगे तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा फ़ोन पे UPI। तो चलिए, हम यहाँ से डाउनलोड किए हुए हैं तो हम ओपन करते हैं। चलिए, यहाँ से मैं अपना फ़ोन पे ओपन किया। तो फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्टर नाउ पे करना है। रजिस्टर नाउ पे करने के बाद यहाँ से अलाउ का परमिशन मांगेगा तो आप वो अलाउ कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरह से OTP आएगा, वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। और उसके बाद यहाँ नीचे में अपना फुल नेम दीजिए और उसके नीचे में है यदि पासवर्ड जो अपना लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड दे दीजिए। चलिए, यहाँ जब OTP आने तक का इंतज़ार करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा यानी कुछ देर पहले खोले हुए थे तो ये मेरा लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। चलिए, हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से लॉगिन कर लिया और पासवर्ड जो है सो हम डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से सही का टिक लगा देते हैं। कुछ देर वेट कीजिए, वो गलत पासवर्ड हो गया। चलिए, हम यहाँ से फॉरगेट करते हैं। चलिए, मेरा पासवर्ड फॉरगेट हो गया। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। तो चलिए, यहाँ से हम अपना वॉलेट पहले ओपन करते हैं। यहाँ से KYC आपको करना होगा। देखिए, यहाँ कंप्लीट KYC यानी KYC कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका 18 साल नहीं पूरा है तो आप अपने फादर्स या मदर्स या अपने फैमिली का किसी भी का भी इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस या जॉब कार्ड नंबर है या वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी नंबर है, इसमें से जो भी प्रूफ है आपके पास, आपके परिवार के पास, वो प्रूफ लेकर के आप यहाँ से KYC कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, हम यहाँ से वोटर आईडी कार्ड का ले लेते हैं। चलिए, यहाँ से हम वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देते हैं और उसका नाम भी दे देते हैं। यहाँ से वोटर आईडी कार्ड जिसके नाम से उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए, यहाँ से हम नाम डाल दिए और उसके बाद यहाँ से सही का टिक लगा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से KYC कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से मंथली ट्रांसफ़र लिमिट बता रहा है 10,000, यानी 10,000 तक का हम एक महीने में 10,000 का इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक में। तो देखिए दोस्तों, मेरा KYC कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आप इसके बाद आपको करना है क्या, आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है। देखिए, यहाँ से 2 बैंक अकाउंट लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो इस पे आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट, इस पे आप अपना क्लिक कीजिए। पहले चलिए हम आपको बताते हैं प्रोफाइल कैसे, आपको पहले प्रोफाइल अपना सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए प्रोफाइल पे अपना फ़ोटो जो भी लगाना चाहते हैं, यहाँ से देखिए यह कैमरा के निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। चलिए हम ईडी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ईडी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पासपोर्ट देना होगा, जो भी आपका पासपोर्ट है। चलिए हम अपना पासपोर्ट डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ से ओके किए। देखिए दोस्तों यहाँ से अपना नाम देख लीजिए, नाम सही है या नहीं है, और ईमेल चेक कर लीजिए, और नहीं सही है तो चेंज कर दीजिए। यहाँ से अपलोड चेंज लिखा हुआ है, और यहाँ से आप चेंज करके यहाँ से अपलोड चेंज पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मेरा वही रहेगा। तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से फ़ोटो लगा लीजिए। चलिए यहाँ से हम कोई फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ से डन कर देना है आपको, और डन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ से एड्रेस जो भी सेलेक्ट करना है, आप एड्रेस यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से ऐड न्यू एड्रेस, ये सब यहाँ से आप अपना पासपोर्ट, जो पासपोर्ट है आपका पेटीएम का, वो पे फोन का, वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो भी है आप डाल दीजिए। चलिए हम ये नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यह सब आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं बैंक अकाउंट कैसे लिंक कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करना है आपको, और यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आईएफएससी कोड डाल दीजिए, और उसके बाद अमाउंट नंबर कन्फर्म, नहीं नहीं दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ यानी इस पे फोन से आप किस जिसके अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं उसका इसमें अकाउंट डलाएगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। यहाँ से बैंक अकाउंट लिंक करना है आपको, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट है, देखिए यहाँ फर्स्ट में ऐड बैंक अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसमें चले जाइए। देखिए यस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोलकाता है, यानी जो भी बैंक आपका है इसमें आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे बैंक दिया हुआ है, जो आपका बैंक का नाम है वो यहाँ सर्च बैंक है, इसमें आप लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं, सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया बैंक ऑफ इंडिया, तो हम इसे सेलेक्ट किए। जो भी नंबर में दोस्तों आपको जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का, उस बैंक में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है वो इस मोबाइल में रहना चाहिए, नहीं रहेगा, नहीं आपको रहेगा तो नहीं रहती लिंक हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, मेरा एक नंबर में है वो जो बैंक से लिंक है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करके, अगर दो में है तो आप दो पर सेलेक्ट कीजिए, और नहीं तो एक में है तो एक पर सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ सेलेक्ट वेरीफिकेशन, तो यानी दोस्तों आपको 1.5 रुपया अनिवार्य है, जिसमें अगर होगा बैंक जो भी नंबर आपको बैंक में रजिस्टर्ड होगा उस नंबर में 1.5 रुपया होना अनिवार्य है, नहीं तो वो नहीं रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर में
यानी मेन बैलेंस नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है दोस्तों। मेरे मोबाइल में अगर रजिस्टर्ड यानी मेन बैलेंस रहता तभी यूपीआई नंबर बन पाता। तो दोस्तों मेरे अकाउंट में अभी नहीं है एक भी रुपया, क्योंकि ये अनलिमिटेड फ्री है तो नहीं हो पा रहा है दोस्तों। आप इस तरह से, आप इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट लिंक कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ देखिए अर्न 100 रुपया, अगर एक आदमी को आप रेफर करेंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा दोस्तों। अगर आपके परिवार में, आपके परिवार में 10 वोटर आईडी कार्ड है या 5 वोटर आईडी कार्ड हैं तो आप रेफर कर दीजिए, और आपके फैमिली में किसी एक को मोबाइल तो होगा ही ज़रूर एंड्रॉइड फ़ोन, उसके मोबाइल में रेफ़र कर दीजिए और पे फोन यानी उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, और अपने जिस भी परिवार, जिस भी आदमी के नाम से वोटर आईडी कार्ड है या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी जो भी हो, पैन कार्ड जो भी हो, उससे केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, आपको डेफिनेट 100 रुपया कैशबैक मिलेगा दोस्तों। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो देखिए वो शर्त क्या है, 1 योर फ्रेंड्स फर्स्ट मनी ट्रांजेक्शन, यानी दोस्तों देखिए इसका कंडीशन भी दिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम रेफर करने के बाद आप फर्स्ट टाइम वो ट्रांजेक्शन करेगा किसी को, वो यानी फर्स्ट बार जब पैसा उससे पेमेंट करेगा उसके बाद ही आपको 100 रुपया कैशबैक मिलेगा। यानी दोस्तों वो व्यक्ति जिसके जो ज्वाइनिंग करेगा आपसे, आपके लिंक से, तो वो व्यक्ति किसी को पे फोन पे से ट्रांजेक्शन करेगा किसी भी व्यक्ति के पास, यानी 100 रुपया, 100 रुपया यानी 50, 5, 10 जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करेगा उसके बाद ही आपको 100 रुपया कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों यही है इसका ऑफर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो तब तक के लिए बाय।